नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर अलीराजपुर जिले से, जहां पर जोबट के विकासखंड उदयगढ़ में एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है बीमारियों का और कोरोना का इलाज। खबर उदयगढ़ से, जहां देश से कोरोना की जंग लड़ रहा है, तो वहीं अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ ग्राम में एक अनपढ़ व्यक्ति अपने ग्राम उदयगढ़ में शारदीय पब्लिक स्कूल में अवैध तरीके से अस्पताल झोला छाप डॉक्टर मेहताब सिंह मुजालदा द्वारा चल रहा था। बताया जाता है कि झोला छाप डॉक्टर मेहताब सिंह मुजालदा के नाम से स्कूल का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम पर है, जिसमें LKG से लेकर 8वीं तक के बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जाता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद होने के कारण से मेहताब सिंह मुजालदा ने यहां पर इलाज करना चालू कर दिया था। प्रशासन की लापरवाही के कारण यह स्कूल सरकारी अस्पताल व जनपद पंचायत व उप तहसील उदयगढ़ से लगभग 200 से 400 मीटर की दूरी पर चल रहा था। आज राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल के द्वारा छापा मारकर सील किया गया। राजधानी समाचार से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, राजधानी समाचार न्यूज चैनल से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर अभी फिलहाल में उदयगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई की है डॉक्टर मेहताब सिंह मुजालदा। जी तो सर, क्या क्या वहाँ कहाँ पर कार्रवाई हुई है? सर अभी जैसा कि मालूम है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारी कलेक्टर मैडम ने बोल रखा है कि कोई भी बिना डिग्री धारी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जी। तो हमको विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि भाई ये मेहता बंगाली डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहा था। जी। तो सुबह 10:20 पे मौके पे SDM सर, तहसीलदार सर, पटवारी जी, पुलिस बल और मैं और अस्पताल की सारी टीम पहुंच के हमने कार्रवाई की। वहां पर कम से कम 22-23 लोगों को बाटले लगी हुई थी और 3-4 मरीज और अलग बैठे हुए थे और ये आला लगा के उनको देख रहा था। जब हमने इनसे पूछा कि आपकी डिग्रियां क्या है, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ऐसे वैध या रजिस्टर्ड दस्तावेज कुछ भी नहीं है। जो फिर हमने उनके क्लिनिक से ये सारी सामग्रियां जब्त करी। जी। करीब 20-25 हजार के आसपास की सामग्री, IV फ्लूइड, बॉटले, इंजेक्शन सब जब्त करे। मरीज जो वहाँ भर्ती होके बॉटल लगवा रहे थे, जी, सबके नाम पते सूचीबद्ध करके और सारी मतलब मेडिसिन सील और जब्त करके पंचनामा बना के और वो जिस जगह वो प्रैक्टिस कर रहा था वो भी सील करा और सब चीजें थाने पे ले जाके फिर FIR। जी सर। तो सर मेरा कहना ये था कि सर कितने सालों से ये कर रहा था प्रैक्टिस? इसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई थी पर बीच में से फिर वापस आ गया था।
जी ये तो बरसों से उदयगढ़ में कर रहा था काम। जी सर ये कहाँ पर कर रहा था? ये हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे जी माँ शारदा पब्लिक स्कूल है जी। इसने कोई विधिवत अपना बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, माँ शारदा पब्लिक स्कूल के अंदर काम कर रहा है। जी सर वो स्कूल शासकीय प्राइवेट है? नहीं प्राइवेट स्कूल है और सीएम सर ने जब जानकारी ली तो ये स्कूल भी उसी की है। जी जी सर। सर, सर आपका नाम? डॉक्टर अमित दलाल डीएमओ उदयगढ़। जी सर धन्यवाद सर आपके राजधानी समाचार से बात करने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।